हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वेट को कम करना। आप वेट को किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगी मैं। उस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो वेट को कम करना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। पहले तो इसके वेट को कम करने से पहले आप पहले अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानिए कि वेट बढ़ता क्यों है, उसे कम किस तरह से कर सकते हैं और हमारे बॉडी में कितने फैट हैं जिसे हमें कम करना है, कितना ज़्यादा हमारा वेट ज़्यादा है, एक आइडियल वेट से कितना ज़्यादा है हमारा वेट। उस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे और आपको पता होगा कि हमारा आइडियल वेट इतना होना चाहिए और इससे हमारा बॉडी वेट इतना ज़्यादा है, तो उसको कम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले ये समझिए कि बॉडी वेट बढ़ता क्यों है, हमारा फैट ज़्यादा बढ़ता क्यों हमारे बॉडी में। जैसे आपने खाना खाया तो उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है जिसके कारण ग्लूकोज बनता है। मैं एकदम सिंपल थिंग से समझाऊंगी आपको। जब आप ग्लूकोज बनता है तो वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है और वो ब्लड शुगर से आप जान सकते हो कि ब्लड शुगर इतना हाई होता है, किसी का इतना होता है, वो इंसुलिन एक है जो उसको मेंटेन करता है। उसके बारे में मैं एक और वीडियो बताऊंगी आप उसके बारे में, इंसुलिन के बारे में। पहले मैं जो टॉपिक जा रहा है उस पर आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। तो ये सारे प्रोसेस एक मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। मेटाबॉलिज्म के पहले मैं आप जानिए, उसके बाद ही आप समझेंगे कि आपके बॉडी में कितना फैट आपका बर्न हो रहा है। मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण हमारे बॉडी का फैट, जितना भी फैट है वो बर्न करता है और एनर्जी फॉर्म में लाता है। तो हमारे स्टोर फैट हो या फिर आपने जो खाया वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करता है एनर्जी फॉर्म में। वो एनर्जी हमारे इंटरनल बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं, वो जैसे लीवर, हार्ट, नर्वस सिस्टम जितने भी होते हैं वो यूज़ करते हैं, और वही एनर्जी को हमारा बॉडी जितना भी वर्क करता है वो यूज करता है। यूज करने के बाद जो भी हमारा ग्लूकोज लेवल बच जाता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज रहेगा हमारा तो फैट बर्न अधिक होंगे। तो इसके लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में कितने फैट हैं। तो इसके लिए आप समझने के लिए पहले BMI के बारे में जानेंगे। BMI होता क्या है? BMI एक बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं। ये आपके बॉडी में कितना मात्रा में फैट है ये बताता है। ये एक कैलकुलेशन से पता चलता है। इसके लिए हमें हाइट और वेट का होना ज़रूरी है। आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, पहले आप, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आपको मैं इजी वे में समझाना चाहती हूँ। ये अगर आप जान जाइएगा तो आप अपने बॉडी का फैट जान जाइएगा कि आप ओबेसिटी हैं या अंडर वेट हैं या कितना फैट आपके बॉडी में है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो इसके लिए आप वेट को किलोग्राम में ले लीजिए और हाइट को मीटर में ले लीजिए। इसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब हाइट इंटू हाइट, दो बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे हाइट का। तो आप अगर आपका 60 kg वेट है और आपका हाइट 165 है तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1.65 हो जाएगा आपका। तो 165 का 2 times इंटू करेंगे, 60 upon 1.65 into 1.65, तो आपका जो भी आता है 20 या 21 जितना भी आता है ये आपका BMI हो गया। अभी BMI तो आप जान गए, अभी BMI के बारे में जानिए कि मतलब आपका नॉर्मल BMI कितना होना चाहिए। अगर आपका BMI 25 है, 25 तक है, तो आप नॉर्मल में हो, आपका बॉडी फैट नॉर्मल है, इसमें आपका फैट ज़्यादा नहीं है आपके बॉडी में। अगर ये 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट में जाते हैं, और ये 30 से ज़्यादा है
तो आप ओबेसिटी में चले गए। ये 25 से कम है तो आप अंडरवेट में आते हो। तो ये आप निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कितना फैट है। अभी दूसरी चीज, ये तो आप जान गए, लेकिन आप इसके बाद आप ये समझिए कि आपको कितना कैलोरी आपको खाना है। आपने जान लिया कि हमारा बॉडी फैट इतना है और हमें कितना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपसे इतने अमाउंट में पैसे ले लेंगे और वो केवल आपको यही पूछेंगे आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, और आप अंडर वेट हो ओवर वेट हो ये बता देंगे, और आप क्या क्या आपको खाना है, और उसके साथ में अगर आप ओवर वेट हो या ज़्यादा वेट है आप, तो आप इस आधार पर आप जान जाओगे और वो आपसे पैसे ले लेंगे कि आपको ये पैसा दे दो, आप मैं इतना करके देता हूँ, ये आप ये खाओ ये खाओ। तो ये जानने के लिए आप पहले ये चीज़ अगर आपको मालूम होगा तो आपको किसी भी डाइटिशियन डॉक्टर किसी भी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ लेंगे हमारे बॉडी में इतने ज़्यादा फैट हैं और हमें इस तरह से इसको कम करना है। अभी अब मैं एक और आपको एकदम ईजी वे से समझाऊँगी कि आपको ना कैलोरी खाना चाहिए। देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है लेकिन मैं आपको इजी से समझाती हूँ। आपका बॉडी वेट जितना है, जितना बॉडी वेट है उसमें अगर आप लेडीज हैं तो आप 22 से इंटू कर दीजिए। अगर आपका 60 है, 60 में आप 22 से इंटू कर दीजिए लेडीज के लिए। अगर आप जेंट्स हो तो उसको 24 से आप इंटू कर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपका बॉडी वेट 60 है तो 22 से इंटू करोगे तो 1300 या समथिंग कुछ आएगा, तो वो आपका एनर्जी होगा, उतनी आपको कैलोरी लेनी है। अभी आप जान गए कि हमें 1300 कैलोरी लेनी है, तो 1300 कैलोरी को हम किस भाग में बांटेंगे, कितने से हम कार्ब्स में लेंगे, कितने कार्बोहाइड्रेट में लेंगे, और कितने फैट और कितने प्रोटीन में लेंगे। तो हमें कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का 40% लेना है, जो हमें 40% हमारी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से जानी चाहिए, 30% हमें प्रोटीन से जानी चाहिए हमारे बॉडी में, और 30% हमें फैट से जानी चाहिए। ये तीनों चीज़ आप अगर समझ लीजिएगा तो आपका बॉडी वेट अपने आप कम होने लगेगा और आप खुद ही इसको कम कर लोगे। लेकिन आप इसको समझिए, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही आप बॉडी वेट को कम कर सकते हैं। शुगर, मैदा, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, और आप इसमें रागी, आटा, ज्वार, बाजरा, ओट, मिक्स ग्रेन्स वाले आटे होते हैं वो आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, तो इससे आपका मेंटेन हो जाएगा। तो आप इस तरह से समझ जाइएगा कि कितना बॉडी में हमें कार्बोहाइड्रेट देना है, कितना हमें फैट देना है और कितना प्रोटीन देना है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपने आप उस चीज़ को समझ के और उस तरह से आप खाना खाओगे और उस तरह से आप वेट को कम कर लोगे। तो ये चीज़ आप समझ लेना कि आपको इतना 20%, 30%, 50% कितना कितना आप किस चीज़ में देंगे। आपने प्रोटीन लेना है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लीजिए, फैट लीजिए, फैट में आप कोकोनट ऑयल लीजिए, घी लीजिए, तो ये आपके गुड सोर्स ऑफ फैट हो जाएंगे। तो आप इस तरह से आप अपने बॉडी को बना सकते हैं ठीक से और वेट को कम कर सकते हैं। आगे की बातें मैं और दूसरा वीडियो में बना के आपको आगे मेटाबॉलिज्म के और प्रोसेस बताऊँगी और किस तरह से आप आगे इस चीज़ को और आगे आप समझ सकते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच डिनर में कितना कितना आपको लेना है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।